हरिओम मंदिर में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें दूर दूर से आए करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जागो और गिद्दे का लोगों ने लुत्फ उठाया। लोगों ने रंगारंग भारतीय परिधानों में जमकर डांस किया। बोन फायर का इंतजाम भी किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इसके अलावा मंदिर की ओर से मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी भी सर्व की गई। हरिओम मंदिर के पंडित दिनेश शर्मा ने लोगों को लोहड़ी के बारे में बताया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। हम लोगों ने लोहड़ी का पर्व मनाया। लोहड़ी भारत में नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, बट ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको डिफरेंट नाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कोई इसको पोंगल कहता है, कोई इसको मकर संक्रांति कहता है, है? और कोई लोग विशु कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि भारत है पर उसका क्या कल्चर है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वी डोंट सी हाउ पीपल सेलिब्रेट दिस। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। पंजाब में लोग जो हैं अपने फसल को काटते हैं और
सेलिब्रेट करते हैं, भांगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं और लोहड़ी को बिकॉज विंटर सर्दी बहुत उसमें होती है तो बोन फायर करते हैं। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा, दूल्हा पट्टी वाला लगी टीवी आई शेर शक्कर पाए सालू पटा सालू कौन समेटे लुटी हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लोहड़ी। पंडित दिनेश हरिओम मंदिर से और जालंधर से पंजाब से, तो पंजाब की धरती जो है बड़े बड़े त्योहारों उत्सवों से सजी धजी हुई है, तो हम यह त्यौहार अनेक प्रकार से मनाते हैं। कई लोहनी देवी हो इसी उसके संग उसने राक्षसों का संहार किया इसलिए मनाते हैं, और सुंदरी मुंदरी दो ब्राह्मण लड़कियां थी उनकी बड़ी एक अपने उन्होंने बहुत सुंदर शादी की अपने जो सब लोगों को इकट्ठा करके जो अपने बड़े भाई डकैत थे उन्होंने इस उत्सव में मनाया जाता है, और कई लोग सब फसलें काट करके लाते हैं और इसका लोहड़ी तिल और लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम बड़े ही सुंदर तरीके से हरिओम मंदिर में उत्सव को मनाते हैं क्योंकि पंजाबी मंदिर है, और हम सबको हमारी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबके घर में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ और गुड लक सबका, और सब हमेशा स्माइल करते रहें। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।